नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। कभी कभी पुलिस की शिथिल कार्य प्रणाली से गुंडा प्रवृत्ति के लोगों के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं कि वे सरेआम शरीफ लोगों को परेशान करने से भी बाज नहीं आते। ऐसा ही एक प्रार्थना पत्र आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय झांसी में आया, जहां जनपद के थाना सकरार अंतर्गत ग्राम ढोड़ा में निवास करने वाले सुधीर कुमार लिटोरिया पुत्र दिनेश कुमार लिटोरिया ने आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले दिनों गांव के ही कुछ दबंग किस्म के लोगों से उसके भाई का झगड़ा हो गया था, जिसकी शिकायत सकरार थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में खास रुचि नहीं दिखाई और आरोपियों के खिलाफ कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की, जिस कारण आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए हैं और वे आए दिन पीड़ित व उसके परिवार के लोगों को परेशान कर रहे हैं। सकरार पुलिस पर आरोप लगाते हुए सुधीर कुमार लिटोरिया ने बताया कि आरोपी पर गैंगस्टर की कार्रवाई बहुत पहले हो चुकी है, इसके बावजूद भी सकरार पुलिस आरोपियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित पक्ष ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। क्या हुआ? 22 तारीख को जो हमारे भाई के साथ गाली गलौज हुई थी। किसने की थी? पर्वत सिंह जो गैंगस्टर है जी। उस पर पहले से भी कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम ढोड़ा के। उस पर पहले से भी कई मुकदमे दायर हैं, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके उपरांत में 2 तारीख की रात को पर्वत सिंह और उनके साथियों द्वारा दारू पी के आए वो और गाली गलौज करने लगे। पहले बाहर पीटा हम लोगों को, जिस वजह से हम लोग घर के अंदर गए और उन्होंने घर के अंदर भी हम लोगों के साथ मारपीट। कौन से थाने गए थे? थाना सकरा। क्या हुआ वहाँ शिकायत करने गए? शिकायत की तो उन्होंने 452 मतलब धारा लगा दी, लेकिन उस पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक दरोगा जी और कॉन्स्टेबल जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन पहले से अपराधियों को पहले से सूचना मिल जाती है कि पकड़ने के लिए गए तो वो भाग जाते हैं। आज आप कहाँ पर आए हैं? आज हम झांसी आए हैं SSP कप्तान साहब से। मुलाकात हुई आपकी? हाँ, मुलाकात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप पुलिस पर रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अखिलेश लिटोरिया है, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। भाई साहब, किस समस्या को लेके आ जाए? हमारे परिवार गाँव में रहता है, ढोड़ा पड़ता है, सकरा थाने में आता है, जिसमें वहाँ पर दबंग लोग पर्वत सिंह वगैरह जी रहते हैं। इनके ऊपर कई मुकदमा दायज हैं, 376 भी है, 307 भी है, 452 कई मुकदमे पहले से दायज हैं, जिसमें जेल भी जा चुके हैं। बहुत बड़े अपराधी हैं ये लोग। तो हमारे परिवार पर इन लोगों ने 22 तारीख में हमला किया, भतीजे वगैरह रहते हैं, उसको मारपीट भी की। तो उसमें हमने कहा चलो ठीक है, एसओ साहब को आप दे दो। 22 तारीख में सकरा थाने में जाकर के जो तहरी दी, उस पर पुलिस प्रशासन ने कोई भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद में ये 2 तारीख में फिर से जा करके, वो तो दबंग है तो दोबारा गए गाँव में, जा करके इन गेटों में उसके मारपीट करी, बाहर मारपीट की, बेचारे अंदर भागे तो अंदर भी घुस गए, मारपीट उसके साथ की गई। पुलिस ने उसमें 452 धारा लगाई, लगाने के बावजूद भी पुलिस वहाँ पर नहीं गई। फॉर्मेलिटी के तौर पर शायद एक दरोगा जी गए हैं एक सिपाही को बैठा करके। 4 लोगों के नाम दर्ज FIR है, इसमें दरोगा जी एक सिपाही के साथ जाते हैं। क्या 4 लोगों को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं? क्या नहीं जाते? ये स्थिति वहाँ की है। वहाँ पर पुलिस प्रशासन पर मुझे भरोसा नहीं लग रहा है। आज कहाँ आए थे आप? आज मैं यहाँ पर SSP झांसी यहाँ पर आया हुआ था। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा नहीं, आपको मुलाकात हुई आपकी कप्तान साहब? हाँ, कप्तान साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको समस्या का समाधान होगा, वो बहुत जल्दी होगा, तो वो जेल जाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ातरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।